4000 रुपए, सुबह 3 घंटे चलाता हूँ, शाम को 3 घंटे चलाता हूँ, 4000 रुपए शाम को चक्कर रख के ले जा चल रहा है। राजी जी गहराई भी नपा के दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, आपके किसान भाई को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है पावर वीडर के बारे में। जैसे कि हमारा कोई छोटा किसान है, वो ट्रैक्टर लेना अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके लिए पावर वीडर एक वरदान साबित हो सकता है। आज हम इसी की जानकारी आपको देंगे और हमारे साथ इस कंपनी के मालिक भी जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि ये कितने रुपए का मिल रहा है और इसकी क्या क्या खासियत है। नमस्कार जी। त्यागी जी नमस्कार, और जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं सभी का आज की हमारी वीडियो में स्वागत है। मेरी तरफ से राम राम। जो कि हमारी फर्म है किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री में जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हमारे किसान भाइयों के लिए। जो हमारा मिनी ट्रैक्टर है वो आप दिखाएंगे, और दूसरी बात आपने कही थी कि हमारे जो छोटे किसान हैं ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये आपने सही कहा। और हमने जो मोस्टली छोटे किसान जो 8 से 10 बीघा की खेती है और ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, यदि ट्रैक्टर भी खरीदें आज के टाइम पर 10 बीघा खेत में 1.5 से 2 लाख रुपए की पैदा होती है। अब उसमें यदि किसान अपना खर्चा चलाए या मशीनरी खरीदे जी जी, ठीक है जी, तो हमने हमारे किसान भाई यदि मान के चलो कहीं से पैसा भी लेता है तो कम से कम पुराना भी ट्रैक्टर लेगा तो 2 लाख रुपए का आता है जी जी। तो 2 लाख रुपए की आप एक साल की ब्याज लगाइए 48,000 होती है मयंक जी जी। तो हमारा जो पावर टिलर है उनको इतनी कॉस्ट में मिल जाता है, तो आप बताइए कि हमारे किसान भाई पे ना तो कर्ज हुआ ना कुछ हुआ, ओनली फॉर ब्याज में हमारा जो पावर टिलर हमारे किसान भाई को मिल गया तो, और वो अपना सारा काम कर सके, तो क्या प्रॉब्लम है। एक बात मैं आपसे पूछनी चाहूंगा जी मयंक जी, जैसे कि ट्रैक्टर तो हमारे बड़े बूढ़े सब चलाते आ रहे हैं, बिल्कुल ये भारत की नई टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि ट्रैक्टर खराब हो जाता है उसके मिस्त्री हमें हमारे चौक पे मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं, इसकी सर्विस का क्या रहेगा। सर देखिए, मेरा जो मेन उद्देश्य है मेरा ये है कि मैं हमारे किसान भाइयों को अच्छी से अच्छी सर्विस मुहैया कराऊं, क्योंकि हमारे किसान भाई यदि मैं सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा तो 4 किसानों से मेरी जो बात करेंगे कि मैंने वहां से किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री से पावर टिलर लिया जिन्होंने मुझे सर्विस दी जी। आपने जी सही कहा, ट्रैक्टर महिंद्रा का हो स्वराज का हो चाहे आप कोई भी मैसी ट्रैक्टर ले लीजिए, उनकी सर्विस बेटर है तो आज वो मार्केट में टिके हुए हैं। तो वही मेरा उद्देश्य है कि मैं मेरे किसान भाइयों को अच्छी सर्विस दूं। तो पहली बात तो ये कि हमारे पावर टिलर पर हम 1 ईयर की वारंटी दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम हमारा जो भी कोई किसान भाई हमारे पावर टिलर को खरीदता है तो हम हर 15 दिन में साल में 24 बार कॉल करेंगे, 15 दिन के हिसाब से, हर 15 दिन में, महीने में 2 बार और साल में लगभग 24 बार कॉल जाएगा कि हमारे किसान भाई को किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही है। यदि समस्या हो रही है तो आप हमें वीडियो कॉल पर बताइए, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वीडियो कॉल पर ही सॉल्व करेंगे, और यदि वह वीडियो कॉल पर भी सॉल्व नहीं हो रही है तो हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है वहीं सही करवा दें। अन्यथा नहीं होता है, कोई पार्ट्स टूट जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पार्ट्स आपको घर भेज दिया जाएगा, ओनली फॉर डिलीवरी चार्ज आपका लगेगा, पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा 1 ईयर तक सर। एक साल तक इसमें अगर कोई टूट फूट होती है तो वो आपकी होगी किसान की नहीं होगी। सर देखिए, उसमें भी कारण है, मैं कुछ कहना चाहूंगा मेरे किसान भाइयों से। देखिए गारंटी की बात ये कि गारंटी वारंटी तो किसी की नहीं होती, मेरी भी खुद गारंटी वारंटी नहीं है, बट मैं इतना कहता हूं यदि हम इसको सेफ्टी से चलाएं, यदि हम हमारे शरीर को सेफ्टी में रखें, सही तरीके से केयर करें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, 100 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा यदि हम थोड़ा सा हार्ड वर्क करें तो। इसी तरीके से मशीन का है, जितना आप इसकी सेफ्टी रखेंगे उतनी अच्छा आपको जो ये रेस्पॉन्स देगी। यदि आप इसको ऐसे ही उछाल उछाल रहे हो, इधर उधर फेंक रहे हो, क्योंकि छोटी है कहीं भी कैसे भी किसान कर सकता है, तो मेरे किसान भाइयों से मैं कहूंगा कि पहले तो सर्विस पे ज्यादा फोकस करें। यदि आप मेरे को कोई भी कंपनी की बाइक ला दीजिए और यदि उसकी मैं सर्विस नहीं करूंगा टाइम टू टाइम तो वो 1 साल नहीं 2 दिन में आपको मैं उसके रिंग पिस्टन बिठा के दिखा दूंगा।
अब बात हो गई सर्विस की, बात हो गई है, बात हमारी सब कुछ हो चुकी है बिल्कुल। अब इसके बारे में बताइए, इसमें आप कितने एचपी का इंजन इस्तेमाल सर? देखिए 7.5 HP का किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री का जो हमारा ब्रांड है किसान पावर, उसका इसमें इंजन दिया हुआ है और एयर कूल्ड इंजन है सर इसका। अच्छा, तो ये हमारा जो इंजन है ये पेट्रोल से चलता है या डीजल से चलता है? सर ये पेट्रोल मॉडल है हमारा सर जी, पेट्रोल मॉडल है जी। और इसे हम जैसे कि इसे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए कंपनी ने क्या ऑप्शन दिए हैं इसमें? सर देखिए मेरे किसान भाइयों के लिए मैंने इसमें दोनों प्रावधान किए हुए हैं। कुछ किसान भाई जैसे सेल्फ स्टार्ट चाहिए तो सेल्फ स्टार्ट का भी प्रोविजन दिया हुआ है, एक बार में ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, हमने दो चाबी दी हुई है इधर आप देख सकते हो। अच्छा, और यदि रिकॉइल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो रिकॉइल से भी स्टार्ट कर सकते हैं हमारे किसान भाई। आपने ये एक चलता फिरता छोटा ट्रैक्टर बना दिया है? बिल्कुल सर, पूरा का पूरा ट्रैक्टर है सर, इसने के आपने काम नहीं देखे। अच्छा, इसकी आपने जुताई नहीं देखी। यदि आप देखना चाहते हो और रोटावेटर को नहीं फेल कर देना तो मेरी गारंटी है मैं पावर टिलर फ्री छोड़ दूंगा। ट्रैक्टर रोटावेटर इतनी गहराई नहीं लेगा, हमारा पावर टिलर इतनी गहराई लेगा। इसको हम चला के देखेंगे, बिल्कुल लाइव दिखाएंगे अपने जी, बिल्कुल लाइव अभी मैं आपको दिखाता हूं सर, पहले लाइव ही करेंगे हम। मेरे किसान भाइयों को ये नहीं कि मैं वीडियो लगा दूं ऊपर, ये नहीं सिस्टम करना है, हमें लाइव ही दिखाना है। तो मैं अभी इसको स्टार्ट करने वाला हूं, जब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम सूखे सरसों के खेत में आप पहले देख लीजिए कैसा खेत है सर। किसान साथियों आप देख सकते हैं यहाँ कम से कम एक महीना पहले फसल कट चुकी है और राजस्थान में हम इस टाइम खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई, इसी के कारण यहाँ पर जो खेत है बिल्कुल सूखा खेत है और इसमें आपको चला के दिखाएंगे। तो अभी मयंक जी हमने स्टार्ट कर दिया है जी। और अभी किसान भाई को नजदीक से दिखा दीजिए कि इसमें सरसों की बुवाई हुई थी 15 दिन पहले कटाई हुई थी, कटाई सॉरी 15 दिन पहले कटाई हुई थी जी, 15 से 20 दिन पहले जी। तो अभी धूप पड़ रही है तो तप गया है खूब, अभी मैं आपको उधर चला के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए किसान साथियों कितना शानदार चल रहा है, अभी इसकी जुताई करके दिखाएंगे। ये बिल्कुल सूखा है, ये देखिए इधर, ये देखिए देखिए त्यागी जी अभी, ये देखिए कितनी गहराई हो सकता है। अभी आप हमारे किसान भाइयों को बताइए, पहले गियर में हम चला रहे हैं तो हमारे किसान भाई वेस्ट में ध्यान रखें, जब खेत की जुताई कर रहे हैं तो उस टाइम पर उनको फर्स्ट गियर में जुताई करनी है, पहले में पहली बार कर रहे हैं जब जी जी, क्योंकि जिससे कि ये उखाड़ सके। और जब हम दूसरी जुताई कर रहे हैं तो दूसरी जुताई में दूसरे गियर में चलाए जिससे कि मिट्टी को सॉफ्ट कर सके। जैसे कि आप इसको चला रहे हैं ज्यादा ताकत तो लगानी नहीं पड़ रही, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा दबाव देना पड़ता, हल्का सा कामूनी का। देखिए आप सामने से हमारे किसान भाइयों को दिखाइए, ऐसा नहीं है कि छोटा हुआ खेत में जोर से दिखा रहा हूँ। किसान भाइयों ये देखिए कितना शानदार दिखाई हो रही है, ये देखिए अभी तो दिखाइए सर। तो मेरे किसान भाइयों हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे किसान भाई को अच्छी से अच्छी तकनीक की मशीन दें। और सर एक चीज और दिखाऊंगा, हमारा जो इंजन है जितना जो ट्रैक्टर का इंजन गर्म होता है ना जी, उतना ही गर्म होगा, उससे ज्यादा गर्म नहीं होगा। अच्छा जी, ये देखिए किसान साथी कितनी शानदार जुताई करता हुआ चल रहा है, ये देखिए सर इसमें हमने हाई कार्बन क्वालिटी के ब्लेड लगाए सर, 32 ब्लेड की होती है, ये टूटते मुड़ते भी नहीं है सर, नहीं ग्रिल जरूर जाएंगे चलते चलते लेकिन टूटेंगे नहीं, मेरी इसकी गारंटी है। अभी हमारे ब्लेड में धार भी नहीं है, जब धार आ जाती है ना तो आप गहराई देखोगे तो असम में रह जाओगे। देखिए कितने छोटी सी जगह में टर्न कर दिया सर मैंने जी जी। तो अभी क्या हमारे किसान भाइयों की मुख्य समस्या हो गई है, एक दूसरे किसान भाई ने क्या है कि वो अपने खेतों में नहीं घुसने देते जी। तो अभी हमें ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर तो हमें दूसरे खेत को घुसाना ही पड़ेगा जी। लेकिन आपको ये नहीं घुसाना पड़ेगा, इसको आप 360 डिग्री तक घुमा सकते हो कहीं भी। किसान साथे देखिए आप कितनी शानदार जुताई होती आ रही है, ये देखिए ये देखिए जी, कुछ आ रहा है आनंद, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है। हमारा पावर टिलर दम तो नहीं रहा, दम नहीं रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी जुताई भी करके दिखाऊंगा आपको जी जी। तो मेरे किसान भाइयों सभी से निवेदन करूंगा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा जिससे कि आपको पता चले कि ट्रैक्टर से रोटावेटर से ज्यादा गहराई है या नहीं है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, अगर इसका ब्लेड टूट जाता है वो मार्केट में मिल तो जाएगा? इधर आइए सर थोड़ा सा,
मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर हमारे किसान से इसका ब्लेड टूट जाता है तो मार्केट में आसानी से मिल जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ नहीं टूटेगा। हाई कार्बन क्वालिटी का जी, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे टेम्पर्ड किया गया सर। अच्छा, टूट जाएगा जरूर जाएगा, बट टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं जी, ये मेरी गारंटी है। ये देखिए, अभी मैं दूसरे गियर में इसको लगाने वाला हूँ। देखिए टर्न, देखिए इसका, ये देखिए किसान साथी, बहुत ही छोटी सी जगह में मुड़ जाता है, क्योंकि ये आपका हर कोने में जुताई कर सकता है, बहुत छोटे से छोटे कोने में। मेरी पहली जुताई हो गई है, दूसरी कर रहा हूँ आपको। ये दूसरे गियर में डाल दिया है, ये देखो, ये देखिए कितना शानदार चल रहा है। राजी जी, गहराई भी नपा के दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए जी, जी, जी। आपके किसान भाई को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। किसान साथियों, आप इसकी गहराई देखिए और देखो कितनी, हम इससे बिल्कुल एक छोटे में छोटे कोने में भी जुताई कर सकते हैं। किसान पावर का हमारा बेहतर ब्रांड नहीं है जी, किसान पावर किसानों की ताकत है, हमारा ये पावर टिलर। ये देखो किसान साथियों कितनी गहराई तक जुताई कर रहा है, ये देखिए कोई नाम निशान नहीं रह रहा घास का, और ये देखिए बहुत ही छोटी सी जगह में टर्न हो जाता है, छोटी जगह में टर्न कर रहा हूँ उसको मैं। ये देखिए हमारा पावर ट्रैक्टर जो होता है वो काफी ज्यादा जगह में टर्न करता है, इससे आप बहुत थोड़ी सी जगह में टर्न कर सकते हैं, ये देखिए। और इंजन बिल्कुल लोड फ्री चल रहा है, कोई लोड नहीं आ रहा, लोड कैसे ले जाएगा, किसान पावर का इंजन है इसमें। अच्छा, किसान पावर का ऐसे लोड नहीं लेके जाएगा सर। एक मिनट रोक लो इसको, अब इसकी जरा गहराई देखते हैं कितनी गहराई कर रहा है। गहराई देख लीजिए आप, देखिए सर, अभी आप गहराई देखिए जी, देखिए खुद ही सर, आप खुद ही देखिए, खुद चेक करिए। किसान साथियों आपको इसकी गहराई दिखाते हैं, कितनी गहराई तक जा रहा है देखिए। आपका जो रोटावेटर है इतने से में रुक जाता है, इतने से में। किसान साथियों ये देखिए लगभग 8-9 इंच की गहराई तक जा रहा है, तो इसका क्या कारण है कि ये रोटावेटर से ज्यादा गहराई? भाई साहब, रोटावेटर में मैं यही कहूंगा, रोटावेटर पूरे होते हैं जी, लेकिन रोटावेटर में क्या होता है, नीचे पत्ती होती है जी, और वो पत्ती धसने नहीं देती रोटावेटर को। अच्छा, और हमारे में वो पत्ती नहीं होती सर, इसे तो ये तो गहराई तक जाता है नीचे तक जी। अच्छा, पूरी गहराई लेता है, जितनी इसकी क्षमता है, जितने इसके ब्लेड बड़े हैं जी, उतनी पूरी गहराई लेगा सर। सवाल करना चाहूंगा, ये आपका जो रोटरी है बिल्कुल कितने फीट की रोटरी है? सर देखिए 3.5 फुट का जो हमारा रोटावेटर है जी, एक बार में 3.5 फुट एरिया कवर करेगा, 32 ब्लेड लगे हुए हाई कार्बन क्वालिटी के जी, जो टूटेंगे मुड़ेंगे नहीं बिल्कुल। और सर एक और खासियत है हमारे रोटावेटर में जी, ट्रैक्टर के रोटावेटर को एडजस्ट नहीं कर सकते जी, हमारे रोटावेटर को यदि आप 1 फुट में 2 फुट में 1.5 फुट में आप चलाना चाहते हैं तो एडजस्ट कर सकते हैं आप। हम हैं उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पर होता है गन्ना, बिल्कुल होता है। अगर इसे कोई लेके जाता है गन्ने की जुताई कर पाएगा ये? बिल्कुल 100% कर पाएगा, क्योंकि हमारे रोटावेटर एडजस्टेबल है, 18 इंच में भी आप चलाना चाहते हैं, 2 फुट में भी चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हो सर। हमारे किसान साथियों को आप एक और बात बताइए, इसे हम कम से कम कितनी छोटा कर सकते हैं और बड़े से बड़ा कितना बड़ा सर? देखिए इसको कम से कम 18 इंच का कर सकते हो और बड़े से बड़ा, अब मैं मेरे किसान भाइयों को, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा था कि एक बंदे ने 7.5 HP में और 5 फुट का रोटावेटर लगा रखा था। अच्छा, तो मेरे किसान भाइयों, यदि मैं मेरे शरीर में जितनी ताकत है 7.5 HP के ट्रैक्टर के साथ में यदि 3.5 फीट की रोटरी दी है ना, तो उसके पीछे कोई कारण है जी, जी। यदि आप उसको बढ़ाओगे, यदि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ 2 या 3 दिन तो चलेगा जी, 2 या 3 दिन के बाद में वो जो इंजन है भसोट हो जाएगा, क्योंकि उसके जो शरीर पर जो लोड है ना वो ज्यादा डाला जा रहा है जी। जी वही, ये तो वो वाली बात हुई, अगर आदमी का वजूद है 50 किलो वजन उठाने का, उस पर अगर 1 क्विंटल लग देंगे तो आदमी तो मरेगा, मरेगा जी, वही चीज है। देखिए मेरे किसान भाइयों का कई बार क्वेश्चन आया है, तो मैं इस चीज की कोई गारंटी वारंटी नहीं दूंगा,
यदि आप चलाओ तो अपनी जिम्मेदारी पर चलाइए, मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि जितना हमारा कैपेसिटी है, क्षमता है, हम उतना ही काम करेंगे जी। आप बस 3.5 फीट की गारंटी जी, देंगे? जी, 3.5 फीट की रोटरी इसमें चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। अब हम इसकी बात करते हैं जी, ये 1 घंटे में कितना तेल लेगा? सर देखिए, मैं मेरे किसान भाइयों से ये कहूंगा कि 700-800 ग्राम बताते हैं जी। लेकिन मोस्टली एवरेज मैं तो ये कह के चलूंगा 1 घंटे में मेरा तो 1 लीटर लेगा। 1 घंटे में 1 लीटर लेगा? हाँ जी, 1 लीटर लेगा। जुताई कितनी करेगा? जुताई भाई साहब 1 बीघा से लेकर 1.5 बीघा तक की जुताई कर देगा जी, तो भी मेरे किसान भाई को प्रॉफिट है। यदि आज आप रोटावेटर से जुताई करवाते हो जी, मयंक जी आप उत्तर प्रदेश से हो, कितनी रुपए ले रहे हैं आप ही बताइए। हमारे यहाँ पे बीघा है छोटा जी, आपके यहाँ पर है हमारे यहाँ का 1 बीघा और आपके यहाँ का 2.5 बीघा बराबर जी, 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 कितना फिर भी आप नहीं, 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 नहीं गलती हो गई, आप हमारे यहाँ का 2.5 बीघा और आपके यहाँ का 1 बीघा बराबर बैठेगा। कितना लेते हैं आपके उधर? हमारे यहाँ पे लेते हैं 200 रुपए पर बीघा। 200 लेते हैं, हमारे यहाँ पे लेता है 800 रुपए जी। यदि भाई साहब हमारा 800 से 1.5 बीघा का कितना हो गया 1200 और हमारा ये 100 रुपए के पेट्रोल में यदि काम कर रहा है, 1 लीटर पेट्रोल में काम कर रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को कितनी की बचत करके दी? 1100 रुपए की जी। जी, और काम हमारा खुद का और सेल्फ डिपेंड हो गए हम, मेन चीज ये सर। इसमें तो किसान को फायदा ही फायदा, फायदा है सर, 100% आने वाले टाइम में मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये घर घर होना है जी। अब हम इसकी बात करते हैं सर्विस की जी। सर्विस के लिए किसान को किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा? नहीं सर, देखिए आपको कहीं मैकेनिक में नहीं जाना है। आप जैसे मान के चलो आपने 20-25 घंटे आपने चलाया फर्स्ट सर्विस, तो आपको यहाँ से हम भेजेंगे तो उस टाइम पर ऑयल नहीं जाएगा, इसमें ऑयल आपको ही डालना पड़ेगा। तो हमारे जो इंजन है उसमें 700 ग्राम डालना है और इसमें हमारा जो गियर बॉक्स है इसमें 2 kg आएगा, तो 2 kg डालना है। उसके बाद 20 से 25 घंटे चल जाए तब उसके बाद आपको सर्विस करनी है। अच्छा। फिर उसके 40 घंटे दूसरी सर्विस होगी 40 घंटे बाद, तो उसमें सर्विस में कुछ नहीं है, आपको ऑयल निकालना है और नया डालना है। जैसे कि हमने इसकी जुताई करी, आपने इसकी जुताई करी, हमें डेमो दिया, बिल्कुल सर, ये तो रोटावेटर से भी शानदार जमीन जोत बिल्कुल रहा है। सर देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हमारे किसान भाई जो है ट्रैक्टर से बढ़िया काम कर पाए जी। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की जी। जी, हमारे किसान साथी बहुत देर से आपको और हमें देख रहे हैं, बिल्कुल वे सोच रहे हैं ये प्राइस तो पूछ ही नहीं रहे सर, और बता दो। मयंक त्यागी जी, जी पहली बात कि घर तक फ्री होम डिलीवरी दूंगा मेरे किसान भाई को, और इसकी जो कीमत रखी है हमने मात्र और मात्र 52,000 रुपए में घर तक पहुंचा के दूंगा। और साथ में यदि आपकी वीडियो के माध्यम से कोई खरीदता है और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करता है तो उसके लिए टायर और रोटावेटर तो साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे जी। एक अटैचमेंट और फ्री दूंगा, मेरा ये वादा है। या तो रिजर ले लीजिए या लेवलर या कल्टीवेटर, इन तीनों में से कोई भी अटैचमेंट लेना चाहता है किसान भाई, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए मयंक जी का चैनल का और उसको सब्सक्राइब कीजिए, तब मैं उनको एक अटैचमेंट मेरी तरफ से फ्री दूंगा। पुष्पेंद्र भाई आपसे हम एक सवाल और करना जी जी, जो कि मेरे मन में बहुत देर से फुदक रहा है जी। इसके साथ साथ आपने रोटावेटर तो जोड़ दिया जी, और क्या क्या अटैचमेंट लगा सकते सर? देखिए इसमें पीटीओ का प्रावधान दिया हुआ है, आप रीपर लगाइए, यदि आप रीपर नहीं लगाना चाहते स्प्रे पंप लगाइए, वाटर पंप लगाइए, स्प्रे भी कर सकते हैं। आजकल छोटी छोटी थ्रेसर चल गई है छोटे किसानों के लिए जी, वो भी चलेगा, आप जनरेटर भी चला सकते हो। अच्छा। इसमें सर देखिए हमारे किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर में क्या होता है, एक और आपको खासियत बता देता हूँ इस पावर टिलर की जी। जो हमारे खेतों में कॉर्नर होते हैं जी जी, जब हम ट्रैक्टर से आप जुताई करते हैं तो वो सही तरीके से नहीं होती और गड्ढा हो जाता है पता नहीं क्यों जी जी। बट हमारे पावर टिलर में आपको हमने सारी सुविधाएं दी हैं, इसमें 2 तो फॉरवर्ड गियर 1 रिवर्स गियर, आप बैक लेके आप वहीं की वहीं उसको घुमा के और आप अपने कॉर्नर को सही कर सकते हो, जबकि ट्रैक्टर से तो गड्ढा बन जाएगा लेकिन इससे गड्ढा नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। इसके साथ हम मट्टी चढ़ा भी सकते हैं गन्ने? जी सर देखिए इसमें हमने हिच दी हुई है, हिच में आप ट्रॉली लगाइए, आप सीट लगाइए, कल्टीवेटर लगाइए, आप जैसे अभी धान की खेती होने वाली है आपके एरिया में जी, जी। आप पडलर लगा के धान में कीचड़ भी कर सकते हो मयंक जी। जी जी, जैसे कि ये गन्ने के लिए तो मैं देख रहा हूँ एक वरदान साबित होगा। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, पंजाब के किसान का हमने रिव्यू किया था जी, 1 दिन में 7 किला जमीन जुताई करता है और 7 किले में 700 रुपए पर किला ले रहा है, और उसने खर्चा बताया था मात्र 100 रुपए जी, ठीक है जी। तो ये करा 4,000 रुपए, सुबह 3 घंटे चलाता हूँ, शाम को 3 घंटे चलाता हूँ,
4000 रुपए शाम को चक रख के ले जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि किसान अपना ही अपना काम करेगा, दूसरों का भी करेगा और एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त करेगा। जैसे कि आपको और हमें, हमारे दर्शक देख रहे हैं जी, उनके मन में ये सवाल है कि हम इसे कैसे खरीदेंगे। देखिए मयंक जी, मेरे किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री किसानों की ही कंपनी है, तो सभी मेरे किसान भाई पहले जो ऑप्शन है वो हमारी कंपनी में आए, और हमारी और भी मशीन है, ये भी है, इनको आप चला के देखिए और पसंद कीजिए। और दूसरी बात होती है, आने जाने से एक रिश्ता बनता है, आप हमें जानेंगे, मैं आपको जानूंगा, तो एक रिश्ता कायम होता है और हमें रिश्ते कायम करने किसान भाइयों के साथ। यदि किसान भाई आ सकता है तो वो बेटर है, हम उनको सारी कुछ डिटेल बताएंगे। और यदि किसी किसान भाई की मजबूरी है तो उसके लिए भी हमने ऑनलाइन प्रावधान कर रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी देंगे। मात्र हमारे किसान भाई को 5000 रुपए का पेमेंट एडवांस देना होगा, बाकी का पेमेंट जब आपके नियर बाई ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाएगा, आप हमारी मशीन देख लोगे, तब आपको देना होगा जब आपको मशीन मिलेगी। किसान घर बैठे मंगा सकता जी है? सर बिल्कुल। किसान साथियों, आपको स्क्रीन पर नंबर चलता हुआ दिख रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करके इसकी और ज्यादा जानकारी ले बिल्कुल सकते सर हैं और इस पावर टिलर को बुक कर सकते हैं। जी जी जी। किसान साथियों, आपको कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।